So hey guys, good morning everyone. This is Mr. D Motor all the way from Northeast Assam and you are watching Mr. D Motor Vlogs. So guys, अभी निकल रहा है तिनसुकिया और आज का जो सीन है ना अलग से मतलब सुंदर लग रहा है क्योंकि आज ना ही मतलब क्लाउडी वेदर है ना ही बारिश दे रहा है, पूरा धूप दे रहा, थोड़ा गर्मी है लेकिन सीन मतलब सही है। GoPro में अभी सीन जो एकदम सही आ रहा है, स्काई है ब्लू, व्हाइट व्हाइट क्लाउड, कैसे ही लग रहा है अभी। तिनसुकिया निकल रहा है मेरा बाइक सर्विसिंग करवाने, देखते हैं आज को मतलब हो पाता है कि नहीं। होप तो यही कि मतलब आज को सब कुछ करवा ले, जो मेरा ऑयल फिल्टर का जो स्क्रू टूट गया अंदर में उसको भी आज को निकाल ले बोल के, ताकि मैकेनिक से मिलता है भैया से। फिलहाल मतलब मैटर जो मेरा ये है कि मतलब स्क्रू निकालना अंदर से खोल के बस, और पीछे का स्पॉकेट का जो अंदर का बेयरिंग है ना कुछ वो भी टूट गया है। तो अभी मतलब हम 65, 60, 70 में जा रहे हैं, देख रहे हो ना क्या सही लग रहा सीन है एकदम, मतलब बोल रहे हैं एकदम अलग सा व्यू आ रहा है अभी। ऐसे ही मतलब व्यू अच्छा होता है लेकिन गर्मी ज्यादा रहता है ना, बस वही पहले जल्दी से पहुंच जाता है तिनसुकिया। एकदम टेंशन हो रहा है ना, मेरा बाइक का आगे का डिस्प्ले चेंज करना है, पीछे का डिस्प्ले, इधर में ये लीवर टूट चुका है, स्पॉकेट चेंज करना है, रेसर ठीक करना है और टोटल वायर ठीक करना है, और एयर फिल्टर भी चेंज करना है भाई, मत बोलिए ना, एकदम टेंशन हो रहा है मेरा। तो ये सब तो हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही स्क्रू वाला, जो बस स्क्रू वाला ठीक हो जाए बस, उसके बाद शांत। सो गाइस अभी पहुंच चुका है माकुम, वो ट्रैफिक देख रही हो ना, इसलिए सोच रहा था कि बाद में बाईपास से चला जाएगा बोल के, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा माकुम को थोड़ा आगे बढ़ के बाईपास वाला रास्ता है गली, वहाँ से पकड़ लेगा। मेरा क्या सीन है कि मेरा 300 के पार करके लाइपोली जाना पड़ता है सर्विसिंग करने के लिए, तो टाउन से जाना कुछ मतलब नहीं बनता अभी इस टाइम में। गाइस अब यहाँ से लेने वाला है बाईपास, थोड़ा आगे में आपका राइट साइड में गली है और देख रहे हो आप लोग क्लाउड क्या सुंदर लग रहा है। मतलब बाइक तो बनाने आया लेकिन मज़ा तो लग रहा है इस चीज़ से बाइक चला के, बस आज को बाइक बन जाए और कुछ नहीं। सो गाइस अभी और आपका 20 किलोमीटर जैसा है पहुँचने के लिए, भाई बाइक चला के ना मतलब इरिटेट हो रहा है हम अभी, कि ऊपर से बाइक भी ख़राब है ना तो चला के भी मज़ा नहीं आ रहा हमको। सो गाइस राइट साइड जाता है आपका डिब्रू सोइकिया, इधर में जाता है तिनसुकिया टाउन, डायरेक्ट खान सारे निकलता है और थोड़ा स्ट्रेट जाना हमको लाईपोली, और आगे में तिनसुकिया पार करके लाईपोली मिलता है। यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं है आपका 5 to 4 किलोमीटर, फिर वाला जाता है आपका डिब्रूगढ़ बाईपास, सीधा आपको ये वाला डायरेक्ट बोगीबिल में, बोगीबिल रास्ता वाला हीट करेगा। सो गाइस अभी पहुँच चुका है अभी TVS डीलर सेंटर, मेरा जो यहाँ पहले TVS का बाइक था मेरे पास, अभी यामा में स्विच किया है। वाओ क्या सही लग रहा है भाई, দাদা ভাল নে শুনক না মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে নহয়, আপোনাৰ হোটেল নাই, দাদাক মই কল কৰিছিলোঁ, এই বস্তু নাই নেকি, অঁ হৈ যাব, উঠি ওলাই যাব ন। চ' গাইছ আপোনাক শুনি ৰে না, আমি মতলব বন যায় বোলে থ ৰিলেক্স লাগে, আমি দেখোঁ কি কওঁতে ইয়াৰ ভাৰচন অন। अंदर में रहे माने की हो सिलो ना, अरे मोय मोरे काम होय तो बुझले ना, कॉलेज गय थाको माने आइबल टाइम ना सिलो मोक, माने टाइम होना सिले किंतु मो सर माने रनिंग बेसी होय ना, तो तेल तो की मो निजे चेंज करम बोली चेंज कर दिलो, टायर को स्टक मान टायर को होय गिसले, माने की बा को भाबे कि मा को टायर कर दिलो भांगी गयले, টেনশন নাই ন, আচ্ছা হ'ব। পইচা ঢুন্ধ ৰা, এটিএম পইচা নাই মিল ৰা, বাইকটো বনকে হ'ল চুকা সো গাইজ পইচা ভি মিল চুকা, আভি যাকে বিল পেমেণ্ট কৰা উসক বাদ সিধা নিকল জানা ঘৰ, বহুত আচ্ছা হোৱা কি সব কুছ বহুত জলদি হ'ল গিয়া আজকো, মতলব হম সোচা নাই থাকে আজকো হ'ব যায়গা বোলকে, বছ হোপ থা হো জানি চাহিয়ে বোলকে আজকো, লেকিন হ'ল গিয়া ফাইনেলি, তো আভি তিনিচুকিয়া টাউন সে নিকলতে হ্যাঁ। सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहा है, बाइक वॉश करने दिए साला, मेरा जब वॉश करने नहीं देने से अच्छा था मेरा बाइक यार, उससे ज़्यादा मतलब साफ दिखाई दे रहा था, अभी तो मत बोलिए उससे ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है वॉश करने के बाद में। तो मेरा जो बिल है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस हो गया आज को यार, टोटल बिल बन चुका है 5700, तो सोचिए हाँ 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 हाँ, किसी का डिस्प्ले आपको 1000 का क्या करेगा, उपाय नहीं है। सो गाइस फाइनल अभी बाइक बना के घर निकल रहा है, बाइक जो भी बोलो एकदम स्मूथ जा रहा है, एकदम स्मूथ सही है, फिर निकल रहा है, शाम भी ढल चुका है, चलो कोई नहीं, काम तो हो गया उसको, घर में जाके फिर से मम्मी से गाली सुनना है, इतना पैसा क्यों लगा बोल के यार, गाली तो सुनना पड़ेगा अभी, मतलब कितना दिन के लिए अभी पैसा बंद,
सो गाइस, लेकिन अभी वेदर ना एकदम स्मूथ है, अभी चलाने के लिए बाइक बहुत सही लग रहा है, ऊपर से स्मूथ, एकदम स्मूथ लग रहा है। न्यू स्पोकेट है ना इसलिए। अब बाय द वे, यामा का स्पोकेट नहीं है, रोलन कंपनी का जो रहता है ना वो स्पोकेट, वो वाला लगाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा ही है। सो गाइस, वही था फाइनली आज को बाइक बन गया, तो अभी मतलब दिल सही लग रहा है। और कल को एग्ज़ाम है भाई साहब, एग्ज़ाम वालों घूमने का मौका ही नहीं देते, ब्लॉग्स बनाने का मौका ही नहीं देते। गाइस अभी ऑलमोस्ट इवनिंग, मतलब फुल, अभी थोड़ा ही देर में मतलब शाम होने वाला है, तो देख सकते हो उधर में पूरा ऑरेंज टाइप का पूरा क्लाउड लगा हुआ ना, देखने में सुंदर लग रहा है। और आगे में देख सकते हो, और ज़्यादा देर तक वीडियो करना कोई सेंस नहीं बनते। सो गाइस, थोड़ा देर में हम एंड करने वाला है वीडियो, एक बार बाइक दिखा देता रुका क्या कि नहीं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। उफ़, वाह, पीछे तरफ तो पूरा मज़ा लग रहा है, इस तरह भी नहीं है। सो गाइस देख सकती हो ना, अरे भाई जब धुलाने दिया था ना तब ज़्यादा गंदा हो गया, नहीं धुला था तो भी मेरा बाइक ज़्यादा मतलब वो साफ था, दिखे ना पूरा एकदम वाइट है, तो धोने के बाद नहीं पोछने से सही होता है, नॉनसेंस बोल रहा ना, लेकिन सही लग रहा है व्यू ना, इधर से भी सही लग रहा है, हमको देखने में सही लग रहा है, अभी आप लोगों को कैमरा में कैसा लग रहा है पता नहीं वो। वाह, यहाँ से तो और भी भयानक लग रहा है यहाँ से तो और। सो गाइस, फोटो ले लेते बाइक का है ना, सही लग रहा है, सही लग रहा है, अपना तो क्लिक करने वाला कोई है नहीं, बैक इज लॉब। चलिए थोड़ा भागते हैं अभी, क्योंकि और लेट नहीं होना, रात को मतलब रात को बाइक चलाने का एकदम पसंद नहीं है, मेरा जो भीतरी का लाइट है एकदम ही पुअर, मतलब लाइट का थ्रो ही नहीं है अच्छा है, तो रात को चलाने में थोड़ा रिस्क लगता है ना हमको, इसलिए जितना हो सके थोड़ा शाम को पहुँचने का ट्राई करते हैं। अरे दिन में भी आप पर देखकर चलाता है भाई, पागल है क्या, बच्ची हो क्या। ओ पीछे में देख रहे हो व्यू, क्या मजा लग रहा है। अबे भाई अरे भाई लाइट को थोड़ा नीचे करके चलाओ ना यार, अपर में चलाते रहते हैं, शाम हुआ नहीं कि अपर में लाइट देता है भाई। फाइनली दिख भाई पहुंच चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मेरा जो चेन का जो स्लैक रहता है वो ज़्यादा ओवर टाइट है बोल के, खुद जाके ठीक करना पड़ेगा भाई। अभी ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, अगर कुछ क्वेश्चन था, कुछ इंक्वायरी है, कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो मिस्टर डी मोटो ब्लॉग्स, और नहीं तो कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू शेयर लाइक। अरे यार फ्लो भी कर दिया अंकल ने तो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल का, ठीक है ना, और ढेर सारा प्यार दीजिए, बाय बाय।